हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अनीता खरखोदी। आज हम बात करते हैं पेंट्स और वॉलपेपर्स के बारे में। कई बार हम अपने वॉल्स को रीफिनिश करना चाहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों मटेरियल्स में क्या बेटर रहेगा। तो आज इस वीडियो में पेंट और वॉलपेपर को डीप एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप इस बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम किसी भी इंटीरियर की एम्बियंस बढ़ाने के लिए और उसे डिजाइनर लुक प्रोवाइड करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स देते रहते हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अपने इंटीरियर्स में दीवारों पर वॉलपेपर कवरिंग करवा के आप अपने इंटीरियर्स को डिजाइनर लुक और एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर है जो कि आप लगवाना चाहते हैं तो पेंट कराना बेटर रहेगा। वॉलपेपर्स कंपैरेटिवली थोड़े महंगे होते हैं पेंट से, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। करीब 12 से 15 साल आप इनकी एज मान सकते हैं, तो लॉन्ग रन में कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। मार्केट में वॉलपेपर्स की बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल है, जैसे विनाइल वॉलपेपर, नॉन वुमेन वॉलपेपर, एम्बोज वॉलपेपर, फाइबर वॉलपेपर एटसेट्रा। बहुत वैरायटीज में अवेलेबल है। आजकल पीयू और प्लास्टिक कोटेड वॉलपेपर्स भी अवेलेबल हैं। वॉलपेपर्स में अलग अलग इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे पर्ल्स एंड ग्लिटर, जेल्स, बीड्स, एम्बॉज्ड और भी बहुत तरह की इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे मॉडर्न टेक्सचर जैसे वुडन टेक्सचर, लेदराइट, ये सब भी आजकल वॉलपेपर्स में काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और पैटर्न्स तो इतने ज़्यादा हैं, इतनी वाइड रेंज में अवेलेबल हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे और चूज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आप कस्टमाइज्ड वॉलपेपर भी यूज कर सकते हैं। वॉलपेपर्स को आप अपनी पसंद के अनुसार भी प्रिंट करवा सकते हैं, इन्हें कस्टमाइज्ड वॉलपेपर्स कहा जाता है। अगर आप वॉलपेपर को एक प्रॉपरली तैयार किए हुए सरफेस पर लगवाते हैं तो ये पेंट से करीब 3 गुना लंबे समय तक चल सकता है। वॉलपेपर्स आपके रूम की दीवारों पर बहुत इजीली और स्मूथली पेस्ट करवाया जा सकता है और ये आपके रूम को एक वार्म्थ प्रोवाइड करता है, साथ ही डेप्थ और स्टाइल भी प्रोवाइड करता है। जबकि एक सिंपल पेंट आपको ये सब क्वालिटीज नहीं दे सकता। वॉलपेपर्स की बहुत वाइड रेंज अवेलेबल है मार्केट में। इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स और डिजाइन अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार उन्हें चूज कर सकते हैं। जबकि पेंट में इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है, इसमें आप मैट से लेके ग्लॉसी तक ही जा सकते हैं। और अगर आपको पेंट में पैटर्न चाहिए तो आपको एक बेसिक पेंट कलर के ऊपर स्टेंसिल का वर्क कराना होगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं वॉलपेपर का जो फाइनल लुक आता है उसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं पेंट पर आप स्टेंसिल्स अगर यूज करते हैं तो, क्योंकि वॉलपेपर्स में पैटर्न्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने वॉलपेपर की इंटेंसिटी थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप अपनी वॉलपेपर के ऊपर कुछ ओपन सेल्स क्रिएट करवा सकते हैं या फिर एल्कोव भी बनवा सकते हैं। ये आपके रूम को एक इंटरेस्ट देने का काम करेंगी, साथ ही वॉल की डेप्थ को भी बढ़ाएंगी। वॉलपेपर्स को आप किसी भी सरफेस पर लगवा सकते हैं, जैसे प्लास्टर वॉल, पेंट की हुई दीवार और प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स पर भी आप इन्हें लगवा सकते हैं। इवन मड ब्रिक्स वॉल्स या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स वॉल्स को भी आप वॉलपेपर के थ्रू कवर अप करवा सकते हैं। पेंट भी आप किसी भी प्लास्टर सरफेस पर करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले वॉल को प्रॉपरली तैयार करवा लेना चाहिए। पेंटिंग करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बेस तैयार करने के बाद भी जब हम फाइनल कोट लगाते हैं तो उसके भी 2-3 लेयर्स लगाने पड़ते हैं और साथ ही पेंटिंग को सूखने में भी टाइम लगता है। तो अगर वॉलपेपर्स के साथ में कंपेयर करते हैं तो वॉलपेपर्स में कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि जब आपने एक बार बेस तैयार कर लिया तो उसके बाद सिर्फ वॉलपेपर पेस्टिंग बाकी रह जाती है। और वॉलपेपर पेस्ट होने के बाद इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम लगाना नहीं पड़ता है और आप इसके तुरंत बाद ही इस रूम को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं।
तो इस पॉइंट में आप कह सकते हैं कि पेंट से बेहतर वॉलपेपर रहेगा आपके लिए अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है और आप जल्दी से काम को फिनिश करवाना चाहते हैं। अगर आप पेंट करवाना चाहते हैं या फिर वॉलपेपर भी दीवारों पर लगवाना चाहते हैं तो दोनों ही केसेस में आपको वॉल्स पर प्राइमर जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि प्राइमर लगवाने से पेंट की फिनिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी और पेंट खर्च भी कम होगा। और वॉलपेपर के केस में वॉलपेपर को पेस्ट करने के लिए जो एडहेसिव यूज़ किया जाता है उसे दीवारें एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और इससे वॉलपेपर की पकड़ दीवार के साथ में बेटर हो जाएगी और इससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। इससे वॉलपेपर के ज्वाइंट जल्दी नहीं खुलेंगे और ये दीवार पर लंबे टाइम तक टिका रहेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेंट हमें ह्यूमिड एरियाज पर या जिन एरियाज में सीपेज काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर आउटर एरियाज उनमें हमें अवॉइड करना चाहिए बल्कि लगवाना ही नहीं चाहिए, उसी तरह से वॉलपेपर को भी ऐसे एरियाज में नहीं लगवाना चाहिए जो कि आउटडोर में हो या फिर जहाँ पर सीपेज की पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे कि बाथरूम्स हैं, बेल्कनीज हैं और किचन में भी अगर आप वॉलपेपर को अवॉइड करते हैं तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस काफ़ी ग्रीसी हो जाते हैं और उन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप प्लीज़ वॉलपेपर को अवॉइड करें, क्योंकि अगर कुछ साल के बाद पेंट निकल जाता है सीपेज की वजह से, पपड़े बन के उधर जाता है, तो आप उसे टचअप करके ठीक करवा सकते हैं, लेकिन वॉलपेपर में ये काम ज़रा मुश्किल हो जाता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पेंट के मुकाबले में वॉलपेपर को पेस्ट कराना काफ़ी इजी है, क्योंकि पेंट के टाइम में आपके दीवारों पर, सीलिंग्स पे या अप्लायंसेस पे, फर्नीचर आदि पर पेंट के निशान रह सकते हैं जो कि आपको बाद में साफ कराने पड़ेंगे, और बेटर है कि फ्लोर को आप पहले से ही कवर करा लें पेंटिंग से पहले तो ठीक रहेगा। इस तरह से पेंट करना आपके लिए थोड़ा सा टीडियस हो सकता है और इससे एरिया थोड़ा मेसी हो जाता है, जबकि वॉलपेपर के केस में ऐसा नहीं होता। वॉलपेपर काफ़ी नीट एंड क्लीन काम है, बस आपको बेस तैयार कराना होता है जो कि आपको पेंट में भी तैयार कराना ही पड़ेगा। वॉलपेपर का सिलेक्शन करने से पहले आपको अपनी रूम की एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर एक रूम का अपना एक स्पेसिफिक मूड होता है, तो उस मूड के अकॉर्डिंग हमें वॉलपेपर चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बेडरूम में वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, या तो उसी तरह से आपको वॉलपेपर चूज़ करना चाहिए। जबकि अगर आप ड्राइंग रूम के लिए वॉलपेपर चाहते हैं तो वहाँ पर आप कुछ अलग तरह का आपको पेपर सिलेक्ट करना होगा, तो रूम की वाइब्रेंसी के अकॉर्डिंग आप पेपर सेलेक्ट करें। सेम रूल ही हमें पेंट के केस में भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ वार्म कलर्स होते हैं, कुछ पीसफुल कलर्स होते हैं, कुछ कूल कलर्स होते हैं, तो रूम के मूड के अकॉर्डिंग आप पेंट कलर भी चूज कर सकते हैं। किसी रूम में सिर्फ वॉलपेपर बॉर्डर कराना भी अच्छा लगेगा, जबकि किसी दूसरे रूम में आपको लगेगा कि पूरा रूम भी आप वॉलपेपर से कवर करवा सकते हैं। तो रूम की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आप वॉलपेपर या फिर पेंट चूज कर सकते हैं। जिन रूम में निशान पड़ने के या मार्क पड़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे कि किड्स रूम, वहाँ पर आप वॉलपेपर लगवाएं तो बेटर रहता है, क्योंकि वॉलपेपर आपके वॉल्स की इम्परफेक्शंस को काफ़ी बेटर तरीके से छुपा लेते हैं। प्लास्टिक पेंट की तरह ही वॉलपेपर्स को क्लीन करना भी काफ़ी आसान है। आजकल मार्केट में प्लास्टिक कोटेड वॉलपेपर्स काफ़ी अवेलेबल हैं, जिन्हें क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। इन्हें आप गीले कपड़े या फिर स्पंज की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वॉलपेपर्स को आपको धोना नहीं है। साफ पानी में डिटर्जेंट मिलाकर भी आप वॉलपेपर्स को गीले कपड़े से या स्पंज से साफ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप पानी में थोड़ा सा अमोनिया मिलाकर साफ करें तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन क्लीनिंग करते वक्त आप ध्यान रखें कि वॉलपेपर्स के ज्वाइंट्स पर पानी कम से कम ही लगे, अदरवाइज आपके पेपर के ज्वाइंट खुल सकते हैं और इस तरह से
पानी पीछे दीवार तक पहुंच सकता है, जो कि एडहेसिव और पेपर की पकड़ को दीवार पर कम करेगा और इसकी लाइफ इस तरह से कम हो सकती है। वॉलपेपर्स आपकी दीवारों की कमियों को, निशानों को, मार्क्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर तरीके से छुपा सकते हैं। पेंट में लाइट पड़ने पर ये निशान काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि वॉलपेपर्स में काफ़ी पैटर्न बने हुए होते हैं, 3D पैटर्न भी हैं और अलग तरह के टेक्सचर्स भी होते हैं, तो उनकी हेल्प से आप अपने मार्क्स को काफ़ी इजीली हाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पेंट और वॉलपेपर की कॉस्ट को कंपेयर करने की, तो डिस्टेम्पर्स तो काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक पेंट को वॉलपेपर के साथ में कंपेयर करते हैं तो प्लास्टिक पेंट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट में, लेकिन वॉलपेपर इसे थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि ये आपको 40 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू होकर 80-90 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकता है, और ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कि आप कितना एक्सक्लूसिव वॉलपेपर चूज कर रहे हैं। अगर एज वाइज हम देखते हैं तो वॉलपेपर काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है, 12 से 15 साल तक इसकी एज रहती है, तो अगर आप लॉन्ग रन में देखते हैं तो कंपेरेटिवली हमें वॉलपेपर ही सस्ता पड़ता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट अगर को आप कंपेयर करते हैं तो वॉलपेपर पेंट से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप लुक वाइज कंपेयर करते हैं तो जो एम्बियंस आपको वॉलपेपर के थ्रू मिलता है वो पेंट आपको कभी भी नहीं दे सकता। हाँ, कंपेरेटिवली कॉस्ट वाइज थोड़ा महंगा है वॉलपेपर, लेकिन एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप अपने पुराने वॉलपेपर को निकाल कर दूसरा नया वॉलपेपर लगाना चाहते हैं और आपका पुराना वॉलपेपर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, तो आपको इसे निकाल कर नया लगवाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि फिर तो आप इसको पील ऑफ करवा सकते हैं, खींच कर ये इजीली निकल जाएगा। पर अगर आपका जो पेपर था वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो आपको उसको स्क्रैच करवा कर ही पीसेस में निकलवाना पड़ेगा और वॉल को दोबारा से ठीक करवा के सरफेस तैयार करा के वॉलपेपर आप उसके ऊपर नया लगा सकते हैं। सेम तरीका ही पेंट के केस में भी हमें फॉलो करना पड़ता है। पेंटेड वॉल के लिए जब आपका प्रॉपरली बेस तैयार हो जाएगा तभी आप उसके ऊपर पेंट अप्लाई करवा सकते हैं, तो दोनों ही केसेज में बेस तैयार करना होगा। आई होप कि मैंने वॉलपेपर्स और पेंट से रिलेटेड सभी पॉइंट इसमें कवर अप कर लिए होंगे, लेकिन अगर बाई चांस आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।